आरपी सिंह, जब हल होना नहीं, हर कोई ये बात कह रहा बाहर निकल के, तो हर बार नई तारीख देने का मतलब क्या है फिर? जब मानना नहीं तो फिर तारीख देके बुलाना क्यों? देखिए रोहित, बात अंतर्गत रास्ता तो हमेशा बातचीत से निकलता है। ये तो किसान है, कहीं कोई विरोधी होता है उससे भी बातचीत से रास्ता, तो हमारे अपने किसान है, विरोधी होता है उससे भी रास्ता बातचीत से निकलता है, ये तो बड़ी बात स्पष्ट है। किसानों ने पहले कहा था कि आप एमएसपी पे बात कर लो तो बाकी हम बातें बाद में सोच लेंगे, तो सरकार ने पूछ लिया कि आपके लिए क्या जरूरी है, एमएसपी है या उन कानूनों में बदल की बात है। तो किसानों ने आज कहा कि नहीं, हमको तो दोनों बातें मनवानी है, पहले हम कह रहे हैं चलिए हम संशोधन की बात कर लेते हैं, तो संशोधन की बात करनी नहीं, किसान बिल में क्या क्या खराबी है उसके बारे में चर्चा करनी नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि बिल में आपको क्या पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन कर लें, उसमें क्या विषय ऐसा है जिसपे आप चाहते हो चर्चा हो, हम उस बात उस पर बात कर लेंगे जी, परंतु वो है नहीं। फिर उन्होंने उस समय कहा एमएसपी की बात की, तो हमने तब हमने एमएसपी की बात छेड़ी है तो उस पर दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं तो बात निकलनी होगी ना कि हम कह, अगर सरकार इस पे बात करने को तैयार होती है कि एमएसपी पे तो उस पे नहीं, अगर कानून पे संशोधन की तो उस पे नहीं, तो कैसे बात है? वो अड़े कि आप अड़े, क्योंकि आप कह रहे हैं वो अड़े, वो कह रहे हैं आप अड़े। नहीं है, देखिए देखिए, मैं अड़ने की बात होती तो सरकार इतने राउंड बात नहीं करती, पहली बात सरकार कहती ठीक है, और अड़ने की बात होती तो किसान जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको उसको नकारते नहीं, को कहते नहीं, उन्हें उसको कहते हम उसमें भी बातचीत करेंगे, सरकार से कर रहे हैं वहां भी अपनी बातचीत रखेंगे, तो सरकार किसानों को भी जो सो कॉल्ड किसान ही सो कॉल्ड किसान नेता उसको भी ना नकारते जी। भाई तो एक तरफ तो आप कहते हैं सो कॉल्ड किसान नेता, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ 10-10 राउंड की बातचीत करते हैं, उनको इन्वाइट भेजते हैं हर बार अगले हफ्ते का। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना हम अड़े हैं ना वो अड़े हैं, जबकि आपने सुना बाहर निकल के वो साफ कह रहे हैं कि केवल टाइम पास हो रहा है, ना हम दिखाना चाहते हैं कि हम बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, ना सरकार ये जताना चाहती है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, केवल इसलिए बातचीत का ड्रामा हो रहा है हर बार। सुना आपने, मैंने ही कह रहा, ये सारी बातें उन्होंने कही बाहर निकल के। मैं बिल्कुल आप रोहित आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति का बायकॉट क्यों किया जाता, वो क्या बहाना लगाया गया कि उनके एक स्टेटेड स्टैंड है, मैं माफी चाहता हूँ वो भी स्पष्ट कर दूं, ये कहा जाता है कि उनके स्टेटेड स्टैंड है, हालांकि उनमें से एक सज्जन ने अपने आप को बाहर कर लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है सब में, क्योंकि वो हालांकि उनका स्टेटेड स्टैंड होगा परंतु उनको लगता है कि नहीं मुझे सब में नहीं पढ़ना, परंतु स्टेटेड स्टैंड तो टिकैत साहब का भी था, हमारे राकेश टिकैत जी हमारे माननीय नेता है, उन्होंने ये उनका 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 बयान है, मेरा बयान ही, और एक एक शब्द अगर बयान का पढ़ लो तो उनका एक स्टेटेड स्टैंड था कि ये तो बहुत अच्छे बिल है, हम इनका स्वागत करते हैं, तो ये कहना किसी का स्टेटेड स्टैंड है? अरे जब कोई जज के पंच के ऊपर जो कोई जब पंचायत होती है जो पंच होता है जो जो सरपंच बैठता है फिर उसकी बात मान्य होती है, उसका अपना स्टेटेड स्टैंड कोई हो, परंतु जब वो पंच बैठ जाता है तो वो अपनी वो अपने स्टेटेड स्टैंड के हिसाब से नहीं, वो इस बात का फैसला करता है कि मुझे न्याय संगत फैसला करना है या मुझे न्याय संगत बात करनी है, परंतु अब क्या कहें हम तो हमारी समस्या बाहर है, एक दिन कोर्ट में वकील जाते हैं अगले दिन कोर्ट से वकील बहिष्कार कर देते हैं, एक दिन कोर्ट में जाकर वकील खड़े होते हैं। मैं सिरसा जी से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, उसके पहले राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं मीटिंग के बाद, सुनवा देते हैं क्या बोल रहे हैं जी, शायद बात खत्म हो गई उनकी, उनका बयान सुनवाते हैं आपको आने के बाद। सिरसा जी कहावत तो आपने सुनी होगी ना पंजाबी की, पंचा दा किया सिर मत्थे साडा परनाला उत्थे दा उत्थे, तो फिर बातचीत का फायदा क्या है, 10 राउंड की बात क्यों करनी? नहीं रोहित जी, रोहित जी क्योंकि सरकार सिर्फ बातचीत का मकसद दे, आपके टीवी चैनलों के लिए सरकार एक दिखावे के लिए एक अपना स्टैंड दिखाने के लिए बातचीत कर रही है, ताकि आपके पास मसाला हो और अपने टीवी पे आप दिखा पाओ कि देखो सरकार बातचीत कर रही है। बेसिकली बातचीत तो कोई लंबी चौड़ी है नहीं है, दो अल्फाजों में बात है, किसान के लिए कहा बिल बनाया, किसान को कहा तुम्हें इस बिल से बहुत लाभ होगा, किसान ने देखा यार नहीं, बोला नहीं इससे मुझे लाभ नहीं होगा, इससे मेरे को नुकसान होगा। अब रोहित जी दो लाइन में आपको कोई मेरी बात का जवाब दे दे, इसको अंशदार अंश कर लेना, इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेना, बिंदुवर आप इसकी चर्चा कर लेना, आप अपने घर में रहते हैं, एक कानून बना जिससे आप अपने घर से बेदखल हो जाएंगे, अब सरकार आपसे पूछे कि आपको बताओ किस बिंदु पे इतराज है, आप किस बिंदु पे इतराज करते हैं, हम बिंदु पर बिंदु इसकी डिस्कशन करते हैं, अरे भाई बिल्ली मुझे घर से बाहर निकालने वाला, बिंदुओं को मैं क्या करूं, हमें बिंदुओं के पढ़ के क्या करें, बिंदु कौन से बिंदु को मैं बताऊं ठीक है और कौन से को बताऊं गलत है, जो बिल मुझे कहता तो घर से बाहर हो जाएगा उस बिंदु को पढ़ के मैं क्या करूं। अब ये सरकार कहती है 1000 मिलीलीटर जहर है पी लो, अच्छा फिर कह रहे 1 साल इंतजार तो करो, तुम साल का टाइम तो दो हमें, देख लेना अगर साल बाद तुम मर जाओगे तो तुम हमसे बात कर लेना,
किसान कहता है जब मैं मरी जाऊंगा तो मैं तुमसे बात क्या करूंगा।